मैं श्री महाकाल आदेश, मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब और स्पेशल साधना लेके आया हूं, और ये जो मैं साधना देने जा रहा हूं ये अपने आप में रहस्यमय साधना है और इसका उल्लेख आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये साधना गुप्त साधना है और गुप्त साधना होने के साथ साथ बहुत ही गुढ़ी और लाजवाब साधना है। ये केवल, जैसे कि मैं सभी वीडियो में बोलता हूँ, ये सारा ज्ञान गुरु गद्दी से प्राप्त होता है, ना कि किसी किताबों से। आपको कहीं इनका जिक्र भी किसी किताबों में सुनने को नहीं मिलेगा। ये जो साधना है ऐसी साधना है कि इसके माध्यम से आप कोई भी सारे मतलब कार्य कर सकते हैं, चाहे वो मादन हो, चाटन हो, स्तंभन हो, विदेशन हो, ये वशीकरण वगैरह जो भी सम्मोहन, आप कोई भी कार्य यानी सारे षट कर्म इस साधना के माध्यम से किए जा सकते हैं। अब ये जो साधना है, ये साधना आपको किसी चैनल गूगल बाबा पे या किसी भी मतलब एक ही किताब में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो हमारा तंत्र यानी कि हमारे भारतवर्ष का जो तंत्र है, जो लुप्त होने की कगार पे है, और लुप्त मान के चलिए कम से कम 60% नहीं 80% हमारा जो तंत्र है, जो इतना विकसित था अब से बहुत समय पहले, जो केवल अभी 30% यानी 60-70% मतलब एक तंत्र हमारा लुप्त हो चुका है। जो जानकार थे उन्होंने जानकारी अपने तक सीमित रखी, और लोगों जिनको दिया तंत्र उन्होंने दुरुपयोग किया। तो तंत्र, जैसे कि हम सभी वीडियो में बोलते हैं हमारी, कि तंत्र जो बना है जन कल्याण के लिए बना है, ना कि किसी का बुरा करने के लिए। और तंत्र क्रियाएं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं की जाती हैं। तो जो भी साधनाएं करे या तंत्र रिलेटिव या तंत्र में आना चाहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आना चाहता है, तो वो निस्वार्थता है, उसका कोई भी स्वार्थ या उसका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि गलत उद्देश्य से तंत्र में एंट्री करेंगे या किसी उद्देश्य को लेकर तंत्र में आएंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि हमारा मोटिव रहता है केवल हमें कि हमें तंत्र विद्या सीख के ये काम करना है, चाहे कि वो सही आपको लगे, आपकी नजरों में तो सही होगा क्योंकि आपको तो करना है, लेकिन होगा गलत कार्य। तो ऐसी ही हम साधना लेके आए हैं। काफी समय से साधना नहीं आ रही थी, लाइव ही आ रहे थे और लोगों के अनुभव आ रहे थे। और अभी सभी लोग जानते हैं कि 26 मई को चंद्रमा ग्रहण आ रहा है। तो ये जो साधना मैं देने जा रहा हूँ, ये साधना किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, केवल ये परंपरागत मिलती है, गुरु अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं और गद्दी से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ऐसी साधना है, आपने बहुत सारे अघोरियों का नाम सुना होगा, जैसे कि गंगाराम, मनसाराम, कीनाराम। ठीक है, बाबा गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, कीनाराम अघोरी और कालूराम अघोरी। ठीक है, बहुत सारे अघोरियाँ हैं जो तंत्र जगत में बहुत सारे प्रचलन में थे और जिनका डंका बसता था। लेकिन कुछ एक त्रिजटा अघोरी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अघोरी ऐसे भी हैं जिनका चलन बहुत कम है, लेकिन वो बहुत ही उग्र स्वभाव के और उग्र मतलब एक अघोरी हैं। ठीक है, तो आज ऐसे ही मैं एक जो गुप्त अघोरी हैं उनकी साधना देने जा रहा हूँ, और ये साधना बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। इनके माध्यम से आप सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला षट कर्म, वशीकरण, मादन, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन, सम्मोहन, ये सारी क्रियाएं बड़ी ही परफेक्टली करते हैं। और इनकी साधना करने से साधक के ऊपर कोई दुष्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे के बाबा गंगाराम अघोरी की साधना करने के बाद व्यक्ति का धन का आगमन रुक जाता है या उसके पूजवान हो जाते हैं, कुल देवता कहलाते हैं। अगर कोई साधना कर ले, बाबा गंगाराम अघोरी की कोई साधना करता है, तो उसको क्या होता है, वो गंगाराम अघोरी उसके घर में पूजे जाते हैं, कुल देवता कहलाए जाते हैं। तो इनका ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन बाबा गंगाराम अघोरी को भी अगर कोई पूजना चाहता है, कुल देवता की श्रेणी में देना चाहता है, लेना चाहता है, उनको स्थान देना चाहता है, तभी वो आते हैं, न अन्यथा नहीं आते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जब हम किसी अघोरी की मतलब ये सिद्धि करते हैं अघोरी बाबा की, तो उनसे धन का आगमन रुक जाता है, स्रोत बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्धन हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ परीक्षाएं होती हैं, एक स्टेप होता है, उस स्टेप को आपने समझ लिया और उसको पार कर दिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आज बता देता हूं मैं, जो अभी वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, और वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसी साधनाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। केवल हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जो अद्भुत और रहस्यमय और गोपनीय साधना ही हम लेके आते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी हमें कॉपी करने लगे हैं, ठीक है, लेकिन कीजिए कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रियल में साधना है, ठीक है, रियल में ज्ञान है, अगर मंत्र ओरिजिनल है, शुद्ध मंत्र है, तभी उसका मतलब एक ही किसी को दीजिए, नहीं तो आपके किसी आपके देने के पश्चात उस यूट्यूब पे आपने साधना डाल दी, सोशल मीडिया है, ठीक है, दुनिया देख रही है आपकी वीडियो, देख के कितने लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, कितने लोग उसको मतलब एक सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, मिलने वाला तो कुछ है नहीं, क्योंकि मंत्र आपका ओरिजिनल नहीं होगा और ना ही उसका विधि विधान आपके पास पूर्ण होगा। केवल नाम लिया और डाल दिया व्यूज इकट्ठे करने के लिए, लोगों को चूतिया बनाने के लिए। अगर आपके पास एक्चुअल में ज्ञान है और जेन्युइन ज्ञान है, ओरिजिनलिटी है आपके पास, तो तभी साधना डालिए। सामने वाले का पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, और उसके बाद में आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिकता से उसका मन जो है भंग हो रहा है, यानी कि साधनाओं के प्रति उसके भाव गलत जा रहे हैं, वो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, वो सोचता है कि एक्चुअल में भी साधना शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं, सारी चीजें यहां से पैदा होती हैं। तो जो भी मैं मतलब ये कि जो भी लोग हैं जो कॉपी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या उल्टी सीधी जानकारी जो दे रहे हैं, तो वो भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप उल्टी सीधी गलत जानकारी मत दीजिए, तंत्र है, तंत्र का मजाक मत बनाइए, ठीक है, ये गुप्त ज्ञान है, तो इसको सही उद्देश्य से और सही मार्ग के लिए परमात्मा ने बनाया, ना कि मजाक के लिए बनाया है, ठीक है। आपके पास ज्ञान है तो पूरा दीजिए, अधूरा ज्ञान क्यों दे रहे हैं, और नहीं है तो उसकी कोशिश कीजिए कि आपके पास भी ऐसा ज्ञान आ जाए, मेहनत कीजिए, अपने आप को तपाइए, ऐसी थोड़ी ना कोई चीज मिल जाती है। तो चलिए बता देता हूं, और जो हमारे चैनल पर नए लोग आए हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि जो भी हम वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो अभी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है, साइड इफेक्ट और मतलब दोनों पहलू बताऊंगा कि कोई इनका दुष्ट मतलब दुष्ट परिणाम तो नहीं है, इनका कोई दुष्ट परिणाम या इनका मतलब कोई भी दुष्ट दुष्ट प्रभाव तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सुन लीजिएगा पूरी, ये जो साधना देने जा रहा हूं ये साधना है मथैया अघोरी, जो कि ढाका बंगाले के हैं, मथैया अघोरी, इनका ना तो आपने किसी किताब में सुनने को मिलेगा, ना ही गूगल बाबा पे, ना ही नेट पे, कहीं भी सर्च मार लीजिए। ये वो ज्ञान है जो केवल गुरु गद्दी से प्राप्त होता है और ध्यान के माध्यम से सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ये जो मथैया अघोरी हैं ढाका बंगाल के हैं और बहुत ही प्रचंड उग्र और सिद्ध अघोरी हैं। इनकी साधना करने के बाद साधक को एक तो दिव्य दृष्टि प्रदान होती है, और साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान होने के साथ साथ साधक के अंदर एक ऐसी सम्मोहन शक्ति आ जाती है कि वो एक बार किसी के संपर्क में, अगर उसके साधक के संपर्क में, ठीक है, अगर साधक के संपर्क में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको छोड़ के नहीं जाएगा, उसके अंदर आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ये जो मथैया अघोरी हैं इतने प्रचंड हैं, इनके द्वारा किया गया कार्य सहज नहीं कटता है, क्योंकि ये ढाका बंगाले के हैं और बंगाली इल्म यानी कि काले जादू के माहिर हैं। सारी शक्तियां इन पे ढाका बंगाले की हैं, और ढाका बंगाले काला जादू फेमस है, जिसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, तो वो इनके पास सिद्धियां हैं, और इनके द्वारा किया गया कार्य सहज नहीं काट सकता कोई, ठीक है। अभी मैं किसी से किसी शक्ति से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही प्रचंड अघोरी हैं और बहुत ही प्रचंड शक्ति हैं। ये मथैया अघोरी हैं, ढाका बंगाले के हैं, और ढाका बंगाले के होने के साथ साथ इनके माध्यम से महादान, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन, वशीकरण, सम्मोहन, सारे षटकर्म बड़े ही सहज तरीके से किए जा सकते हैं। इनकी साधना करने के बाद कोई भी दुष्ट परिणाम या दुष्ट मतलब एक आपको कोई भी दुष्ट परिणाम नहीं होता है, और ना ही आपके जीवन में कोई घटना घटित होगी, ठीक है। तो ये जो साधना है मथैया अघोरी, ये साधना आप अपने घर पे कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, निर्जन स्थान पे कर सकते हैं, या फिर आप शमशान की व्यवस्था हो जाए तो सबसे बढ़िया है।
तो अगर आप अपने घर पे करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे एकांत कमरा हो, आपका पूजा कक्ष जो भी है, साधना कक्ष, उसमें एक लकड़ी का बेजोटा ले लीजिए, यानी चोक या चोकी, उसके ऊपर काला कपड़ा बिछाइए, विधान सुन लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, लकड़ी की चोकी, उसके ऊपर काला कपड़ा, ठीक है। काला कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर चावलों की ढेरी लगाएं, 2 मुट्ठी चावल लें या 3 मुट्ठी चावल लें और चावलों की ढेरी लगा दें, उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करें, तिल के तेल का या सरसों के तेल का। ये साधना आप किसी भी शनिवार से या अमावस्या से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी शनिवार से या अमावस्या से शुरू कर सकते हैं, रात्रि 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद। चावलों की ढेरी लगा दें, उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करें, तिल के तेल का या सरसों के तेल का। दिशा दक्षिण रहेगी, विधान पूरा सुने, दिशा दक्षिण रहेगी, आसन कुशाकर रहेगा या काला रहेगा, माला रुद्राक्ष की रहेगी, वस्त्र काले रहेंगे। भोग में क्या करना है, 7 प्रकार की मिठाई, 1 गांजे की चिलम, 1.25 बोतल दारू, देशी दारू देशी होनी चाहिए, 1.25 बोतल दारू, 1 गांजे की चिलम, 7 प्रकार की मिठाई, ठीक है, और 1 नींबू वाली प्रतिदिन, और आपको देना है 5 लौंग का झोला और 5 बतासे कपूर पे प्रतिदिन आपको ये भोग देना है। यानी कि आप मिठाई पहले दिन दे दें और लास्ट वाले दिन दे दें, बाकी आपको नींबू वाली प्रतिदिन देनी है। और सिरगट भी आप मतलब एक गांजे की पहले दिन जला दीजिए और बाकी प्रतिदिन सादा सिरगट आप जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गांजे की भी सिरगट, अगर आपको गांजा नहीं मिल पाए तो सादा सिरगट भी दे सकते हैं, या इन्हें हुक्का भी दिया जाता है, तो आपके पास अगर हुक्का हो तो हुक्का भी आप इनको दे सकते हैं, सादा तमाकू का, ठीक है। तो 1 लोटा जल, विधान दोबारा सुन लें, दिशा दक्षिण, आसन कुशाका या काला, वस्त्र काले, साधना किसी भी अमावस्या से शनिवार से शुरू कर सकते हैं, प्रतिदिन आपको 5 माला जाप करना है, शावर मंत्र साधना है, मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये शावर मंत्र साधना है, मंत्र को कंठस्थ करते ही मंत्र कार्य करना शुरू कर देगा, ठीक है। प्रतिदिन 5 माला का जाप करना है, जिन लोगों के पास गुरु हैं वही साधना को करें, पहले 1 माला गुरु मंत्र गणेश मंत्र की, 1 माला भैरव मंत्र की, ठीक है, गणेश मंत्र की, भैरव मंत्र की, और आपका रक्षा मंत्र हो तो ज़्यादा अनिवार्य है, किसी के पास ना हो तो हमारी वीडियो से ले सकता है, और अपना रक्षा मंत्र की, ठीक है, और गुरु मंत्र की, एक एक माला जाप करके उसके बाद में मूल मंत्र का जाप करें, जो मधैया गुरी का हम मंत्र देंगे। साधना काल में बड़े ही दिव्य अनुभव होंगे आपको, डरावने भी होंगे। इनका जो स्वरूप है मधैया गुरी का, वो 35 से 45 साल की एज है, वो काले वस्त्रों में आते हैं और स्लिम है, मतलब पतले दुबले हैं ज़्यादा इनका, और ना ही इनके बाल बड़े हैं, ठीक है, एक स्लिम और एक सादे मतलब सादा स्वभाव के साधक है मतैया गोरी, लेकिन बहुत ही प्रचंड और उग्र हैं, इतने उग्र हैं कि इनके द्वारा अगर मारण कर दिया तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बचाना। व्यक्ति जो इनके द्वारा अगर क्रिया की गई तो सामने वाला व्यक्ति सूख सूख के लकड़ हो जाएगा, उसकी बॉडी में खून बनना बंद हो जाएगा, उसके जो ऑर्गन होते हैं यानी शरीर के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, पार्ट होते हैं, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, खून बनना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ मसान चलते हैं, और मसान क्या है, जो मसान होता है, मसान से ही सारी चीजें चलती हैं। वशीकरण ब्लैक मैजिक, यानी ये मथैया हैं और ढाका बंगाले के हैं, तो इनके द्वारा वशीकरण जो होता है वो सारा ब्लैक मैजिक के माध्यम से होता है, यानी कि बंगाल की क्रियाएं हैं जो इनके माध्यम से की जाती हैं। इनकी साधना अगर कोई साधक कर लेता है तो साधना करने के बाद इनको चलाना कैसे है, सारी चीज़ें एक बार इनका, और ये साधना प्रत्यक्षीकरण की साधना है, इस साधना में जो अनुभव होते हैं वो बता देता हूँ आपको। साधना में शुरू के दिनों में, साधना के पहले और दूसरे दिन आपको बहुत ज़्यादा भयभीत करेंगे, तीसरे दिन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, तीसरे दिन जब शुरू हो जाएंगे, जब ये आते हैं तो आपको मतलब एक कुछ मतलब एक जैसे और साधनाओं में खुशबू वगैरह आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब ये आते हैं तो इनके साथ गंध आती है, गंदगी, मतलब
गंध आती है, गंध मतलब मूलदे के जलने की गंध या सड़ी हुई पोटी वगैरह की गंध और बाथरूम की गंध, इस तरीके की गंध आएगी, ठीक है। और ये तीसरे नहीं सातवें दिन से ही सामने साधक के खड़े हो जाते हैं, सपनों में डराते हैं, लेकिन कभी ज्यादा भयभीत नहीं करते हैं, सौम्य रूप में भी आते हैं। अगर साधक के सामने ही आ जाते हैं तो जब तक बात नहीं करते जब तक 21 दिन पूर्ण ना हो जाए। 21 दिन पूर्ण होने के बाद में इनसे वचन ले लो, वचन लेने के बाद इनसे बोले कि मेरी जुबा पे वास कीजिए, तो जब भी इनका मंत्र आप एक बार या तीन बार पढ़ेंगे तो ये हाजिर हो जाएंगे और आपकी जुबा पे वास करेंगे। जो भी आप बताएंगे आपकी जो वाणी हो जाएगी सत्यवाणी हो जाएगी, जो बोलेंगे किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी निकालनी है, किसी के विषय में मतलब एक कोई भी जानकारी निकालनी है सटीक, कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास क्यों आया है, क्या करने आया है, वो सारी जानकारी इनके माध्यम से निकाली जा सकती है, ठीक है। और इनका कोई दुष्ट परिणाम नहीं है, हमारे भौतिक जीवन में कोई दुष्ट परिणाम नहीं होता है, ना ही इनकी वजह से कभी जीवन में हमारी समस्या आती है। एक बार साधना अगर जिस साधक ने कर ली, इनके माध्यम से किसी की निगेटिव एनर्जी को हटाया जा सकता है, किसी के भूत भविष्य को बताया जा सकता है। निगेटिव एनर्जी चाहे वो कोई भी हो, भूत प्रेत जिन जिन्नात मसान साखनी ढाकनी चुड़ैल कोई भी ए टू जेड खबीस जो भी मतलब निगेटिव एनर्जी के, या आपका राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल या जो भी मतलब एक पिसाज पिसाजनी जो भी नेगेटिव एनर्जी है किसी के ऊपर किया कराया खिलाया पिलाया सारा इनके माध्यम से खत्म किया जा सकता है। और एक बार तंत्र क्रिया काट दी तो दोबारा तंत्र क्रिया नहीं होती है, इतने प्रचंड है मथैया अगोरी। और ये साधना कोई भी साधक बड़े ही आराम से कर सकता है, ये ज्यादा भयभीत नहीं करते हैं। साधना के अंतिम दिन आपको इनको देसी मुर्गे का भोग लगता है, जो आपको साधना के अंतिम दिन 21वें दिन देना है। और साधना के अंतिम दिन 21वें दिन सारी चीजें देनी है आपको, मतलब मिठाई भी देनी है, गांजे की सिरगट भी देनी है, ठीक है, और देसी दारू की बोतल भी देनी है सवा बोतल, ठीक है, और सवा बोतल देसी दारू, एक देसी मुर्गा काला या लाल रंग का, बॉयलर फार्मी नहीं होना चाहिए, देसी या काला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 108 आहुतियां करनी है या 1008 आहुतियां आप कर सकते हैं। 21वें दिन ये सामने आ जाएंगे, ये सातवें दिन सामने आ जाते हैं, लेकिन इनसे बात नहीं करनी है, सपनों के माध्यम से आपको जवाब देने लगेंगे, बहुत तरह के विचार आपके अंदर आएंगे, परिवर्तन आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल जाप करते रहना है, अपने टारगेट पे फोकस करना है। 21वें दिन जब ये आपसे बोले कि आपने मुझे मतलब क्यों बुलाया तूने मुझे, मेरा आह्वान क्यों किया, तब इनसे वचन लेने होते हैं, ठीक है। वचन में वही सभी जो आम वचन होते हैं कि जब मैं आप बुलाऊं आपको आना होगा, जो भोग मैं दूंगा वो आपको ग्रहण करना होगा, और आपकी वजह से मेरे या मुझसे जुड़े किसी व्यक्ति को कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस टाइप के वचन होते हैं। तो ये थी साधना मथैया अघोरी, ढाका बंगाले के बाबा मथैया अघोरी, जो कि गुप्त साधना है, बहुत ही रहस्यमय साधना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जैसे कि सभी साधनाओं की भांति इस साधना में भी हम मंत्र नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मंत्र हमने दिया नहीं और ये कॉपी हो जाएंगे, हर दूसरे चैनल पे मथैया अघोरी विराजमान हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसको मंत्र चाहिए, जिसको साधना चाहिए, या साधना से रिलेटिव कोई भी जानकारी है, हमने इतनी साधना अपने YouTube चैनल पे दे रखी है, उनसे रिलेटिव आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे संस्थान के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। संस्थान का नंबर हमारा सुबह 10 से शाम 6 बजे तक एनी टाइम ओपन रहता है। नंबर है हमारा 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कॉलिंग टाइम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिसको साधना करनी है वो हमसे संपर्क करें, और साधना का जो शुल्क है वो आपको पे करना पड़ेगा, जो भी कोर्सली इसकी फीस रखी गई है वो आपको पे करनी पड़ेगी, साधना दे दी जाएगी। साधना देने के साथ साथ आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा, आप साधना करेंगे, साधना काल में हम आपको गाइड करेंगे, साधना काल में अगर आपको कोई उलझन आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी जय श्री महाकाल, आदेश आदेश।